आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी और जल्दी से दोस्तों फॉलो बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी है। दोस्तों वहाँ पर आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे और सभी की तैयारी कराई जा रही है और सभी की दोस्तों PDF फाइल भी बिल्कुल आपको फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं ये आज की न्यूज़ है, 6 साल से इंतजार कर रहे थे उम्मीदवार। और दोस्तों इस न्यूज़ को आप पूरा अच्छे से देखें क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही दुख की खबर है। दोस्तों दावा 32,000 पदों का और भर्ती निकाली महज 22,000 पदों की। तो सरकार का दावा था कि 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी लेकिन वैकेंसी सिर्फ 22,000 पदों की निकली है। इससे भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवार निराश हैं। ज़्यादा नाराजगी माध्यमिक शिक्षक के पदों को लेकर है क्योंकि इसमें 1,000 से भी कम पद शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों सरकारी स्कूलों के लिए निकली माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती से कई उम्मीदवार नाखुश हैं। उम्मीदवारों की निराशा की वजह है कि इस भर्ती में कम पदों का होना। स्कूल शिक्षा विभाग PEB के जरिए सरकारी स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। PEB ने 26 सितंबर को इसके लिए पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है मगर उसमें लिखी पदों की संख्या ने आवेदकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कारण यह है कि इस वैकेंसी में सिर्फ बहुत यानी 5,670 पद शामिल किए गए हैं जबकि उम्मीदवार 10,000 से ज़्यादा पदों की आस लगाकर बैठे थे। यही वजह है कि अब उन्हें गिनती के पदों के लिए कंपटीशन में उतरना होगा। आवेदक खुद के साथ छलावे के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री और अफसर बार बार हजारों पदों पर भर्ती के दावे कर रहे थे लेकिन अब मामला थोड़े से पदों पर ही सीमित कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षकों पर खामोशी। शिक्षक भर्ती के प्रारंभिक ड्राफ्ट में वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक के भी 9,540 पद शामिल किए गए थे। अब इन पदों पर कोई बात नहीं हो रही है। समझा जा रहा है कि मौजूदा सरकार वर्ग 3 के पदों पर भर्ती नहीं करेगी यानी इस कैटेगरी में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इससे भी बेरोजगारों में निराशा है। और दोस्तों देखिए दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग है इन्होंने क्या कहा, हम 22,000 पदों पर भर्ती करने वाले थे, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक मिलाकर इतने पदों पर वैकेंसी निकाल दी है, बाकी पदों पर ट्राइबल विभाग भर्ती करेगा। यानी दोस्तों मैंने कल ही भी वो जो वीडियो डाला था जो ट्राइबल वो स्वीकृति पहुंच चुकी है वो आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों वर्ग 3 की भर्ती अभी नहीं कर रहे हैं, ये क्लियर इन्होंने कह दिया दीप्ति सिंह गौड़ जी ने कि वर्ग 3 की भर्ती अब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है। ये जो वर्ग 3 के आवेदक तो सबसे ज़्यादा थे, सबसे पहले दोस्तों इनको ये वैकेंसी देनी थी। अब दोस्तों किस सरकार पर भरोसा किया जाए, अपने मामा जी की सरकार ऐसा कर रही है और कोई भी कम नहीं है दोस्तों, सब राजनीतिज्ञ हैं। यदि दूसरी सरकार आती है तो भी वो ऐसा ही करेगी क्योंकि गरीब आदमी को कोई देखना नहीं चाहता। मतलब अब आपको खुद सोचना चाहिए बेरोजगारी में। अब आप देखिए जो रिटायरमेंट की उम्र होती है वो 60 से 62 कर दी, यानी जो दोस्तों 60 की उम्र में रिटायर होने वाले थे अब वो 2 साल और काम करेंगे। तो दोस्तों वो भी परेशान हो गए, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत बड़ा छलावा किया है सभी सरकारें बिल्कुल ऐसी। अब देख लीजिए दूसरे पेज की वो खबर, माध्यमिक शिक्षकों के महज 5,670 पद होने से बढ़ेगा कॉम्पिटिशन। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले साल नवंबर में शिक्षक भर्ती का ड्राफ्ट तैयार किया था। उक्त वर्ग 1 के लिए 10,905, वर्ग 2 में 11,200 और वर्ग 3 के लिए 9,500 पद शामिल किए गए थे। अधिकारी बार बार इसी आधार पर भर्ती करने के दावे कर रहे थे लेकिन 11 सितंबर को जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जहां 17,000 पद जारी किए गए हैं यानी वर्ग 2 के करीब 6,000 पद वर्ग 1 में जोड़ दिए गए हैं, इसी कारण माध्यमिक शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों से नाखुश हैं। दोस्तों ये बहुत ही बुरी खबर आई है आज सभी के लिए, वर्ग 2 वालों के लिए भी और वर्ग 3 वालों के लिए, तो जो आप स्वयं देख चुके हैं। तो मैं आशा करूंगा कि बहुत मतलब यूजफुल तो जानकारी, क्या बोलें दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर है। तो धन्यवाद दोस्तों।